दंगल तो बहुत अच्छी मूवी, मुझे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। एक्सपेक्टेशन जैसे इरफान खान से था तो वो काफ़ी अच्छी लगी मुझे। जो एक्टिंग है इरफान खान का और पारित का अमेजिंग है। और सर ट्रैवल लव स्टोरी जो पहले अभी हिंदी सिनेमा में बहुत कम देखने को मिलता है थ्रू इंडिया, तो ऋषिकेश से लेके दिल्ली से लेके फिर जयपुर और फिर गैंगटॉक, अमेजिंग पिक्चराइजेशन और एक्टिंग, और बहुत स्मूथ जाता है पूरा स्क्रिप्ट, स्मूथ जाता है। पिछले जो हम लोग के जो प्यार है उसको लेके पूरा कैसे हम लोग वी स्टिल कीप इट इन अ हार्ट, जो दिल में अभी तक रखते हैं उसके बारे में भी यही मूवी में। और इट्स एन अमेजिंग मूवी, इट हैज अ लॉट ऑफ थिंग्स इन इट, मल्टीपल इमोशंस, एंड एवरीबडी विल एंजॉय द मूवी बिकॉज इट्स फन। मुझे मूवी बहुत ही खूबसूरत लगी, उसकी जो स्टोरी थी बहुत ही अच्छी थी, रोमांस था, कॉमेडी थी, ड्रामा था, जो हर एक मूवी पैकेज होता है वो पूरी मूवी के अंदर था। काफ़ी अच्छी मूवी थी एंड मेरे को मतलब फर्स्ट हाफ के बाद इट ग्रू बेटर, कैरेक्टर डेवलपमेंट केम इन, एंड ऑब्वियसली इरफान खान, आई मीन ही हिज रोल विद पार्वती, इट्स की सीम टू डेवलप मोर एंड मोर मोर एंड मोर। आई मीन द सॉन्ग्स वर नॉट दैट राइट, बट इट वाज अ ब्रिलियंट मूवी टू वॉच, आई मीन आई वुड वॉच इट अगेन। केमिस्ट्री जो एक्टर और एक्ट्रेस इरफान खान और पार्वती जो अमेजिंग, सिंपली अमेजिंग, जैसे ऐसे बहुत कम देखने को मिलता है बॉलीवुड सिनेमा में। शी इज टू गुड, बोथ ऑफ देम आर टू गुड, आई हैव लव्ड इरफान खान्स एक्टिंग इन द मूवी, आई थिंक आई विल गो एंड वॉच द मूवी अगेन। दोनों की ऐसा लगा था दोनों एक्टिंग ही नहीं कर रहे, रियल में दोनों कपल से ऐसा लग रहा था, इतनी अच्छी एक्टिंग थी दोनों की। केमिस्ट्री तो वेल काफ़ी अच्छी थी, तो आप, मैं भी यही सजेस्ट करूँ कि आप लोग भी मूवी देखिए, और ये सिर्फ कपल्स के लिए नहीं है, फैमिली भी मूवी देख सकती है, और इसे मैसेज भी काफ़ी अच्छा है, तो फिर मूवी देखने लायक तो है। मैं तो बोल रही हूँ, इट वॉज अ वेरी फ्लुएंट केमिस्ट्री, इट वॉज नॉट लाइक बहुत ये है कि एब्रप्ट लग रहा है कि नई एक्ट्रेस है और वो सुपरस्टार है, ऐसा नहीं लग रहा था, इट वॉज प्रिटी चिल। सॉन्ग्स भी बहुत अच्छे हैं, सॉन्ग्स तो कम ही है, दो तीन सॉन्ग्स है जो बहुत ही जबरदस्त सॉन्ग है। गाने तो काफ़ी अच्छे हैं, रोमांटिक है, और ऑडियंस को रोमांटिक सॉन्ग ही ज़्यादा पसंद है, तो फिर अच्छे है, गाने भी अच्छे ही है। इट्स ओके, आई मीन दे आर नीडेड इन अ मूवी, बॉलीवुड मूवीज में सॉन्ग्स नीडेड है। केबल कार का जो एंड में सीन होता है इतना ब्यूटीफुल है केबल कार का, और बिगनिंग में जो सीन है कि दे आर गोइंग इन द कार अलॉन्ग द पहाड़ों के आप जा रहे कार में, तो बहुत ही अच्छा लगता है। पिक्चराइजेशन पूरा फिल्म का बहुत ही अच्छा है। मूवी में थोड़ा कॉमेडी रोमांस भी है, तो बीच बीच में मूवी काफी इंटरेस्टिंग, मतलब आप एक मिनट के लिए भी बोर नहीं होगे मूवी में। 5 out of 5, 4.5 out of 5, 4, I would give it 3.5.